गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिक्षाविदों के लिए आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में दिल्ली तथा NCR से कई शिक्षाविद शामिल हुए। संस्था के शिक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में चर्चा के लिए विषय रहा एजुकेटर्स क्रिएटिंग लीडर्स फॉर फ्यूचर। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में GD गोयनका विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यनारायण जी, नासिक मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव सोनावड़े जी, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP लाल जी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रजमोहन भाई जी, संस्था के कार्यकारी सचिव और शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष BK मृत्युंजय भाई, ORC की निदेशिका BK आशा दीदी, दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्रों के प्रभारी BK शुक्ला दीदी, काठमांडू जोन के प्रभारी BK राज दीदी, मूल्यनिष्ठ पाठ्यक्रम के निदेशक BK पांड्यामणि, शिक्षा प्रभाग में दिल्ली के संयोजिका BK सुदेश समेत कई बुद्धिजीवी उपस्थित रहे और सम्मेलन का आगाज किया। Self realization or identifying, can we go to that respect of fellow human being and truly once again become a sustainable world, because we have already destroyed the world, and I think it's a huge opportunity for us to move towards that. We thank Brahma Kumaris for giving us an opportunity to be part of this wonderful session, and we look forward to learning from all of you. Har vyakti ye apne man mein dhar le ki duniya mein kuch bhi ho raha ho, मैंने शुभ सोचना है, तो आप सोचिए सब लोग अगर शुभ सोचेंगे तो शुभ ही शुभ हो जाएगा। और इसका हम थ्रेटिकली नहीं कह रहे, ब्रह्मा कुमारी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पिछले 80 वर्षों में ब्रह्मा कुमारी ने वो करके दिखाया है जो सब लोग चाहते हैं। हम वर्ग में जाते हैं, क्लास में जाते हैं, तो प्यार से जैसे यहाँ हमारा स्वागत हो गया, वैसे अगर हम ओम शांति विद्यार्थियों से बोलते हैं और एक मिनट के लिए उनको आंख बंद करके तू कौन है, मैं कौन हूँ, जैसे हम यहाँ सुबह जानने की कोशिश की, ऐसा अगर जानने के लिए लगे तो मुझे लगता है कि शांति खोजने का, प्रस्तापित करने के, नई पीढ़ी बनाने का प्रयास, वहाँ से प्रयास और प्रवास शुरू हो जाएगा। ये महत्व है राजयोग। हम शिक्षकों का, एजुकेटर्स का जो मेन कार्य है वो अपने बच्चों को आई ऑफ द स्टॉर्म अर्थात जीवन का जो बेस है, जीवन का जो बीज है, जो सार्थकता जिससे है, उसकी ओर ध्यान खिंचवाना है। जिस ज्ञान योग से, जिस सरल योग से हमने विश्व को, गुरुतत्व को प्राप्त किया था, एक मार्ग विश्व को दिखाया था, वह क्षण दिनों दिन आपके समय दिखता जा रहा है। और यह कार्य ब्रह्मा कुमारी ने 137 देशों में शुरू किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है वह दिन दूर नहीं कि बचे हुए विश्व के 100-200 जो देश हैं पूरे के पूरे, वहाँ तक हमारा ज्ञान का जो भंडार है, जो संचार है, हम अपने ज्ञान के योग से इस पहुँचाने सफल होंगे। यू गॉट ए नेशनल यूनिवर्सिटी, यू गॉट ए रीजनल यूनिवर्सिटी, you got a professional university, you got a language university, you got a music university, you got a sports university, but there is only one universal university, that is Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. Teacher har prakar se, chahe engineer, doctor, jo bhi bane banaye, lekin bhagwan bhi mata pita sarv sambandhi hai, tar o teacher bhi hai. उस टीचर ने हमें क्या सिखाया वो तो सब आपके आगे वर्णन हो रहा है। उसने व्यवहार में सिखाया, अगर सुना निकल गया तो सत्य क्या है, कैसे समझ में आए, तो उसकी पढ़ाई ने, उसके ज्ञान योग ने हमें अच्छी तरह से एक रोशनी और एक तीसरा आंख दे दिया, जिसे हमें मालूम पड़ा सत्य क्या है, असत्य क्या है। शिक्षक एक मूर्तिकार की तरह होता है। जैसे मूर्तिकार एक सुंदर मूर्ति को बनाने के लिए हर तरह का प्रयत्न करता है, ठोकता पीटता रहता है, ताकि उसका मकसद यही होता है कि मैं एक अच्छी मूर्ति को तैयार करके समाज के आगे लाऊं।
इसी प्रकार शिक्षक का भी ये देह होना चाहिए। सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सलाहकार परामर्शदाता एवं श्री पदमपत सिंघानिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्री हरि होनवाड़ जी, गुरुग्राम नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रेमव्रत जी, हनुमानगढ़ खुशाल दास विश्वविद्यालय के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शशि मुरोलिया, जी डी गोयनका की डीन डॉक्टर अनुराधा, एम टी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर संजय झा, MSME के निदेशक रवि नंदन सिन्हा और महाराष्ट्र में शिक्षा प्रभाग की संयोजिका बीके वासंती दीदी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं।